गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ही हमारा सब्जेक्ट है एवियस, लेसन 18 है एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक क्या होता है? एक्वेटिक लाइफ मतलब जो जलीय जीवन है उसके बारे में ये हमारा चैप्टर है। वन इवनिंग ताने सेड टू हिज फादर, पापा आई हैव हियर्ड अबाउट एन सो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर, बट हाउ दे कैन? हर फादर रिप्लाइड, तान्या, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। दे कांट लिव ऑन लैंड लाइक अस और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर डिस्टिंग्यूज फीचर्स मेक देयर लाइफ मोर कम्फर्टेबल इन वाटर एंड नॉट ऑन लैंड। लेट अस रीड अबाउट द एक्वेटिक लाइफ। इसमें एक तान्या नाम की लड़की है, वो एक शाम को तान्या अपने पापा से पूछती है कि पापा, मैंने जलीय मतलब जल में रहने वाले बहुत सारे पौधों और जानवरों के बारे में सुना है जो कि पानी में रहते हैं, लेकिन वो लोग कैसे वहाँ पे रहते हैं? तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं, वो जो जलीय जीवन है उसको वो अपना लेते हैं। तो अब वो हमारी तरह जो है ज़मीन पे नहीं रह सकते, या फिर हम उनकी तरह जो है ज़्यादा देर पानी में नहीं रह सकते। तो उनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं कि वो वाटर में मतलब रह सके और मतलब ज़मीन पे नहीं रह सकते। नेक्स्ट, एक्वेटिक प्लांट्स, अब पानी में जो प्लांट्स रहते हैं उनके बारे में। अ नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो इन वाटर बट द टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिफर फ्रॉम द वाटर बॉडीज। प्लांट्स ऑफ द लेक और पॉन्ड डिफर फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द सी। मतलब बहुत सारे प्लांट्स जो है पानी में मतलब पैदा मतलब जन्म लेते हैं या फिर बड़े होते हैं, लेकिन जो है पानी अलग अलग पानी की वजह से उन वो जो है अलग अलग प्लांट्स भी जो है अलग अलग तरीके से सर्वाइव करते हैं। जो लेक या फिर मतलब तालाब वगैरह का जो प्लांट्स होते हैं वो समुद्री पौधों से अलग होते हैं। फिक्स प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स फिक्स देमसेल्फ एट वन प्लेस टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग हॉलो स्ट्रीम्स, दे हैव फ्लैट लीव्स एंड दैट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। दीज लीव्स हैव पोर्स इन द अपर पार्ट कॉल्ड स्टोमाटा फॉर रेस्पिरेशन। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स प्लांट्स आर लोटस एंड वाटर लिली। अब फिक्स प्लांट क्या होते हैं? इनके जो रूट्स मतलब जड़ें होती है वो मतलब बिल्कुल फिक्स होते हैं, मतलब एक ही जगह पे टिके हुए होते हैं। इनके जो मतलब लीव्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे फैले फैले होते हैं। तो इनके ऊपर क्या होता है, ये जो पौधे जो है इन्हीं के सहायता के मदद इन्हीं की मदद से जो है वो पानी के ऊपर जो है रहते हैं। और इनके मतलब इनके जो पत्ते होते हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनकी वजह से ये उनको स्टोमाटा जिनकी मदद से जो है वो मतलब सांस लेते या फिर उस पानी में वो रह सके। इसके एग्जांपल है वाटर लिली और लोटस। नेक्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स किसे बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर हाइकैनिट, डकवीड, वाटर चेस्टनट एक्सेट्रा डैट फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर पुअरली डेवलप्ड और इवन एबसेंट। दे हैव लाइट एंड स्पॉन्ज बॉडी, डैट इज़ वाई दे कैन फ्लोट फ्रीली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अब ये जो क्या होते हैं, ये फ्लोट प्लांट्स कैसे होते हैं? वो जो है मतलब पानी के जो अंदर मतलब पानी के अंदर से वो ज्वाइंट नहीं होते, उनका क्या होता है, वो लीव्स की मदद से ही जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो है मतलब पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे वाटर हाइकैनट और चेस्टनट, वाटर चेस्टनट जिसको हम हिंदी में सिंघाड़ा भी बोलते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स कौन कौन से हैं, वो प्लांट्स लाइक हाइड्रेलिया, टेप ग्रास, पॉन्डवीड एक्सेट्रा रिमेन कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर। दे आर फिक्स वाटर प्लांट्स एज देयर रूट्स फिक्स देमसेल्फ टू द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। दीज प्लांट्स हैव नैरो लीव्स विद नो पोर्स, दे ब्रीथ थ्रू देयर होल बॉडी सर्फेस, दे हैव इन कीपिंग द वाटर क्लीन। अब अंडर वाटर प्लांट्स कौन कौन से हमारे, जैसे हाइड्रिलिया हो गया, टेप ग्रास हो गए, सब इनकी जो ये जो होते हैं पानी के अंदर होते हैं, इनकी जड़ें जो है वो पानी के अंदर जो मिट्टी होती है उससे वो ज्वाइंट होती हैं। ये जो है मतलब उस पानी को एक तरीके से साफ रखने में भी मदद करती है। और ये मतलब ये जो है इनकी लीव्स के थ्रू ये लोग सांस नहीं लेते, ये अपनी इनकी जो पूरी बॉडी होती है उसी के थ्रू जो ये लोग सांस लेते हैं, मतलब ये प्लांट्स जो है सांस लेते हैं। वीड्स, अ वीड इज एनी प्लांट दैट ग्रोज वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। द ग्रोथ ऑफ अ वीड इज़ वेरी रैपिड और क्विक। वीड कौन से प्लांट्स होते हैं? ये जो है मतलब
बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं, इनकी मतलब ज़रूरत नहीं होती फिर भी ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं। मोस्ट वीट डैमेज कल्टिवेटेड प्लांट्स बाय ग्रोइंग विद देम फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। सम वीट ग्रो डायरेक्टली ऑन अदर प्लांट्स एंड दस आइदर वीकर और किल दैम। मैनी वीट्स आर ऑल्सो होज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड किल हेल्दी प्लांट दैट ग्रो अराउंड दैम। वीट्स क्या होते हैं, ये जो मतलब जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं जैसे कि गेहूं हो गए, मतलब कोई भी अदर प्लांट्स को ये ग्रो करने में रोकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी की भी जो ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो मिट्टी से जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो दूसरे प्लांट्स को तो फिर दूसरे प्लांट्स को तो ये सब चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, तो क्या होता है उनकी दूसरे जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं उनको ये ग्रो करने में बहुत मतलब मुश्किलें आती हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट है अडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इन मैनी वेज, दे कैन बी अरेंज अकॉर्डिंग टू वेदर और एनिमल्स लिव्स ऑन लैंड और इन वाटर। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दे इंक्लूड कैट, डॉग्स, लिजर्ड, माइस, वॉर्म्स एक्सेट्रा। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, दे इंक्लूड ईल्स, फिश, लॉबस्टर, ऑक्टोपस, व्हेल्स एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि जो जानवर जो होते हैं वो अपने आप को अनुकूल मतलब अब जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, जो पानी में रहते हैं उस हिसाब से अपने आप को उस मतलब उस जलीय अगर जल में रहते हैं तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अब जो जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं उनके हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के नाम पता है आपको, जलियों जो जल में रहते हैं उनके भी नाम आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ईगल्स, फिश, लॉबस्टर, ये सब क्या हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स आर अडेप्टेड इन वेज दैट इनेबल दैम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरमेंट और देयर सराउंडिंग्स। दे हैव स्पेशल फीचर्स विच हेल्प द एनिमल्स टू एडजस्ट विद देयर सराउंडिंग्स। अडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इनेबल एनिमल्स टू मूव अबाउट, ईट, ब्रेथ and to sense their environment. Legs, wings and fins help animals move. Teeth and jaws help them eat. Lungs and gills help them obtain oxygen. Eyes and ears help them to find food and detect predators and protect themselves. अब एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपने आप को अब वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं मतलब उनके आसपास का जैसा एनवायरनमेंट होता है वो उस हिसाब से जो है खुद को ढाल लेते हैं। तो अब कुछ उसमें फीचर्स होते हैं एनिमल्स में जो वो अपने आसपास की चीज़ों से भी अडेप्ट करते हैं मतलब अडॉप्ट करते हैं मतलब अपने आसपास की चीज़ों के साथ साथ वो भी ढल जाते हैं। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि उनको मतलब खाने में, सांस लेने में और या फिर जो उनकी सूंघने या फिर जो सेंस होते हैं वो अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट होते हैं उससे वो लेते हैं। जो पानी में रहते हैं जीव उनके लेग्स, विंग्स या फिन्स इन सब में क्या होता है जानवरों को मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिलने में मदद करते हैं। वहीं पर टीथ या फिर जॉज जो है उनको खाने में मदद करती है। लंग्स कौन से जो ये लैंड पे रहते हैं उनके लिए ज़रूरत है। गिल्स जो मतलब जो पानी में जो जीव रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने में ज़रूरत होती है। आइज़ और ईयर्स का यूज़ वो किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आसपास की जगहों के खतरों को पहचान सके और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सके। मूवमेंट एनिमल्स ऑन लैंड मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स एंड फीट। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव लेग्स विद फीट दैट इनेबल देम टू वॉक और रन ऑन लैंड। मोस्ट एम्फीबियंस मैमल्स एंड रेप्टाइल्स वॉक ऑन फोर लेग्स, बर्ड्स एंड पीपल वॉक ऑन टू लेग्स। इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स एंड आर्किडीज हैव एट। मिलीपीडीज मे हैव अप टू 200 लेग्स। अब क्या होते हैं एनिमल्स या फिर मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं वो अपने पैरों की मदद से अब उनकी मदद से वो चलते हैं। से कोई भी बर्ड्स, इंसेक्ट्स या फिर बहुत सारे रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जानवर होते हैं एम्फीबियंस होते हैं वो अपने पैरों की मदद से जो है चलते हैं या फिर भाग सकते हैं। एम्फीबियंस होते हैं या फिर मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं उनके चार चार पैर होते हैं। बर्ड्स और जो हम इंसान होते हैं वो दो दो पैरों की मदद से चलते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह इनके 6 भी होते हैं, आर्किडीज इनके 8 होते हैं और मिलीपीडीज इनके 200 के करीब भी जो है लेग्स होते हैं। एनिमल्स कैन मूव विदाउट लेग्स एंड फीट टू। स्नेक्स हैव नो लेग्स बट दे कैन मूव विद स्पीड। स्नेक्स मूव ऑन स्टिकी फ्लूइड विच दे रिलीज फ्रॉम देयर बॉडी। एंड अर्थवर्म क्रॉल्स थ्रू द सॉइल बाय लेंथेनिंग एंड शॉर्टनिंग पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी।
एनिमल्स क्या होते हैं जो बिना पैरों के भी चलते हैं, जैसे कि स्नेक्स हो गया, तो वो मतलब रेंग, मतलब एक तरीके से बहुत रेंग के चलता है। और स्नेल्स हो गए, उनके क्या होते हैं, वो स्टिकी उनके अंदर बॉडी से वो लिक्विड निकालते हैं, फिर उसी की मदद से वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं पर अगर अर्थवॉर्म मतलब केचुए वगैरह हो गए, वो स्क्रोल मतलब ऐसे ऐसे स्क्रोल करके वो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैनी वॉकिंग एंड क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन वाटर। क्रैब्स एंड लॉबस्टर हैव लेग्स दैट डैम टू वॉक अक्रॉस द बॉटम ऑफ अ वाटर बॉडी। अब कुछ कुछ क्या होता है जो पानी के अंदर भी कुछ जानवर रहते हैं, जैसे क्रैब्स या फिर लॉबस्टर हो गए, उनके पास पैर होते हैं, तो क्या करते हैं ये जो एकदम अंदर जो पानी का जो सतह होती है उस पर वो अपने पैरों की मदद से वो चलते हैं। फिश ऑन द अदर हैंड हैव फिन्स टेल्स एंड फ्लिपर्स विच हेल्प देम टू स्विम स्विफ्टली इन वाटर। फिश हैव वेल डेवलप्ड टेल्स एंड फिन्स। मोस्ट फिश स्विम्स बाय बेंडिंग देयर पावरफुल मस्कुलर टेल फ्रॉम साइड टू साइड। फिन्स ऑन द टॉप बॉटम एंड साइड टू फिश हेल्प देम टू मेंटेन बैलेंस। एक तरफ फिश क्या होते हैं, उनके पास फिन्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर नीचे या ये पीछे इनकी पूंछ जो होती है, इसकी मदद से वो पानी में मतलब स्पीडली स्विम कर सकते हैं या फिर जो है आगे वो चल सकते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प देम टू मूव इन एरियाज विद लिटिल स्पेस। टर्ल्स स्विम पैडलिंग विद देयर फीट विच आर वेब्ड। सम बर्ड्स लाइक द डक एंड गर्ल टू हैव वेब्ड फीट विच इनेबल देम टू पैडल अक्रॉस वाटर विद ईज। अब क्या होते हैं जो टर्टल्स वगैरह हो गए, इनके जो पैर होते हैं वो मतलब एक तरीके से वो पैडलिंग करके जो है आगे की तरफ मतलब पानी को पीछे पीछे की तरफ धकेल के वो आगे की तरफ जो चलते हैं। कुछ जैसे बर्ड्स हो गए, डक हो गए या फिर गल हो गया, वो भी जो है पीछे की तरफ पानी को धकेल के जो है आगे चलते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। अब सांस भी तो लेना ज़रूरी है ना जिंदा रहने के लिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वी नो डैट वी नीड एयर टू सर्वाइव इन द सम वे एनिमल्स टू नीड एयर टू सर्वाइव। हम जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है मतलब ज़िंदा रहने के लिए, तो कैसे लोग मतलब जानवर जो है किस तरीके से सांस लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द वे डैट एनिमल्स ब्रीद एंड डिपेंड्स ऑन वेयर दे लिव। लैंड एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एक्वेटिक एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब क्या होता है एनिमल्स जो होते हैं वो सांस मतलब अब सांस लेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे ना। तो क्या होता है जो हम मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं वो क्या करते हैं, हवा की हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं। जो वहीं जो पानी में जीव रहते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो वाटर की मदद से जो ऑक्सीजन लेते हैं। मोस्ट एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। द लंग्स इनसाइड द बॉडी पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो लंग्स होते हैं वो इंसानों को जो ज़मीन पे रहते हैं जानवर उनको मदद करते हैं। जो लंग्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं मतलब जो भी बाहर से ऑक्सीजन या फिर उसके साथ मिक्सेस गैसेस होते हैं वो अंदर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है वो बाहर कौन सा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ख़राब गैसेस जो हमें बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है उसको वो बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी एनिमल्स दैट लिव इन वाटर और एक्वेटिक एनिमल्स सच एज द फिश यूज़ गिल्स टू गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। गिल्स ट्रैप वाटर टू गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ डिजॉल्व इन इट। और एक तरफ से क्या होता है जो जल में जो जानवर रहते हैं वो जो है गिल्स की मदद से जो है मतलब सांस लेते हैं। कैसे, क्योंकि वो पानी क्या करते हैं पानी को जो मतलब पानी ऑक्सीजन को पानी के साथ अंदर ले लेते हैं, फिर जो ऑक्सीजन उनको ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं, बाकी वो पानी के साथ और भी जो जो उनको ज़रूरत नहीं होती गैसेस की उसको वो बाहर निकाल देते हैं। मॉस्किटो एंड मलेरिया। You have surely seen stagnant water around your locality or house. It can be seen in the neighborhood pond, a puddle in the playground after rainy seasons, water cooler of your house when it is not in use or drains which are not covered. अब क्या होता है आपने मतलब अपने से आसपास देखा होगा जो पानी होते हैं उसमें जो आपने छोटे छोटे कीटाणु देखे होंगे, ये क्या होते हैं हमारे मॉस्किटो या फिर मॉस्किटोज़ के जो है बच्चे होते हैं। तो आपने जो देखा होगा आसपास के नेबरहुड में जो छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं, तालाबें होती हैं या फिर जो टायर्स वगैरह होते हैं उसमें जो पानी जमा हो जाता है, या फिर जो आपने वाटर कूलर में देखा होगा उसमें भी जो है बहुत सारे ऐसे आपको छोटे छोटे जो कीटाणु वगैरह दिखेंगे। इन द वाटर यू कैन सी टाइनी इंसेक्ट्स, दे आर मॉस्किटोज। द स्टैगनेंट वाटर इज देयर ब्रीडिंग प्लेस। अ मॉस्किटोज इज एन इंसेक्ट दैट स्प्रेड सम ऑफ द
ग्रॉस डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, एनसीफेलिटिस, फिलेरियाज एंड येलो फीवर. व्हेन अ मॉस्किटो बाइट इट मे लीव जर्म्स बिहाइंड. मैनी काइंड ऑफ मॉस्किटोज डू नॉट स्प्रेड डिजीज बट देयर बाइट्स आर पेनफुल. और क्या बोलते हैं, जो मतलब जो ख़राब पानी होता है, जो जमा किया हुआ पानी होता है, उसी में वही जो है मॉस्किटोज के पैदा होने का एक जरिया होता है, उनका घर होता है. तो इसलिए हमें जो है हमेशा पानी को क्लीन करके रखना चाहिए. उनसे जो फैलने वाले फीवर्स बहुत खतरनाक, डेंजरस होते हैं, जैसे कि मलेरिया. ये सब एग्जांपल है एक तरीके से, जो मच्छरों से हमें जो बीमारियां होती है. जब हमें एक मच्छर काटते हैं तो हमें कितना मतलब हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा जर्म्स मतलब गंदगी फैला देता है. और जो हम डिजीज़ नहीं फैलाते हैं तो उनके काटने से जो हमें पेन भी होता है. मॉस्किटोज हैज़ अ स्लेंडर बॉडी विद स्केल्ड विंग्स एंड लॉन्ग लेग. इट इज़ ओनली द फीमेल मॉस्किटो दैट सक्स ब्लड फ्रॉम मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. इन कॉन्ट्रास्ट द मेल मॉस्किटोज फीड्स ऑन प्लांट्स. अब क्या होता है, आपको मैं एक बात बता दूँ, जो मॉस्किटोज होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंडर शेप की होती है. उनके पास एक दो विंग्स होते हैं, उनके आगे की तरफ आपने देखा होगा, इसी से जो खून मतलब खून चूसते हैं. तो आपको मैं एक बात बता दूँ, जो फीमेल जो मॉस्किटो होती है वही हमारा खून बस पीती है. बाकी जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो प्लांट्स वगैरह से जो है अपना फूड इकट्ठा करते हैं. द फीमेल मॉस्किटोज कैन लोकेट देयर विक्टिम्स प्राइमरीली थ्रू दो सेंट. दे आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड बींग एक्सहेल्ड विद ब्रेथ. जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो अपने विक्टिम्स के जो मतलब जिस इंसान या फिर जानवर उनके आसपास से जो है वो भटकती रहती है, और उनकी खुशबू से वो उनका पहचान लेती है. और ख़ासकर उनको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे जो है मॉस्किटोज हमारे पास आ जाते हैं. मॉस्किटोज डू नॉट रियली बाइट बिकॉज दे कैन नॉट ओपन देयर जॉस. व्हेन अ मॉस्किटोज बाइट इट स्टैब्स दो द विक्टिम्स स्किन विद सिक्स नीडल लाइक पार्ट्स. एज द नीडल्स एंटर द स्किन इट रिलीज इट्स सलाइवा विच प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग. द मॉस्किटो ईजली सिप्स द ब्लड एज इट वर्क्स लाइक अ स्ट्रॉ. द सलाइवा इट रिलीज कंटेन्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. अब क्या होता है, मॉस्किटोज जो होते हैं वो सीरियसली मतलब रियलिटी में हमें नहीं काटते हैं, क्योंकि उनके पास जॉ नहीं हो, मतलब वो अपना जो मुंह जो है ओपन नहीं करते. उनके पास जो सिक्स नीडल टाइप के होते हैं, तो वो हमारे जब स्किन में जब उसको डालते हैं तो क्या होता है, उससे जो है वो अपना सलाइवा जो लार होता है वो हमारी बॉडी में छोड़ देते. तो उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज भी जो है हमारे खून में उसके थ्रू वो आ जाते हैं. और कि फिर क्या करते हैं, हमारे खून को जो है स्ट्रॉ की तरह अपने बॉडी में अंडर ले लेते हैं. नेक्स्ट है मलेरिया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बाइट. इट अकर्स विद हाई फीवर एंड चिल्स विच इज़ रिकरेंट इन नेचर. द सिक पर्सन शुड बी इमिडिएटली रेफर टू द डॉक्टर एज मलेरिया कैन किल. इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस इज टेकन मलेरिया कैन बी ट्रीटेड. अब क्या होता है, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से ही होता है. इसमें क्या होता है, आपको एक बहुत तेज़ बुखार आएगा, बहुत ठंड भी लगती है. तो आपको जब भी मतलब मलेरिया या फिर इसकी आशंका हो तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, मलेरिया से जो है लोगों के जान का भी खतरा होता है, लोग मर भी जाते हैं. तो अगर सही टाइम पे इसका इलाज हो तो आप बच भी सकते हो. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया. अब क्या क्या उपाय हैं मलेरिया से बचने के, वो है मलेरिया कैन बी प्रिवेंट बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर टू मॉस्किटोज एज फार एज पॉसिबल. वेयर फुल स्लीव शर्ट्स एंड फुल ट्राउजर आफ्टर सनसेट. यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स एट नाइट. यूज मॉस्किटो नेट्स वाइट वॉश द हाउस एट लीस्ट वंस अ ईयर. मलेरिया से बचने के क्या क्या उपाय हैं, हमें जो है वो घर में नेट मतलब मच्छरदानी बोलते हैं उसको लगाना चाहिए, फुल स्लीव्स कपड़े पहनने चाहिए, और जो है घर को जो है हमेशा जो एक मेडिसिन मतलब ओडोमोस वगैरह जो है उसको लगा के रखना चाहिए. और हमें जो हमेशा मतलब साल में एक बार तो घर की सफ़ेदी करवानी चाहिए. वी कैन टेक सिंपल स्टेप टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. दिस नीड टू ट्रीट बॉडीज ऑफ स्टैगनेंट वाटर वेयर मॉस्किटोज ले देयर एग्स. ट्रीटिंग सच हैबिटेट विद इंसेक्टिसाइड्स टू किल मॉस्किटोज लार्वा. फॉगिंग और स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स टू किल अडल्ट मॉस्किटोज. वी कैन किल मॉस्किटोज बाई इवन अप्लाइंग इंसेक्टिसाइड्स टू
द इंटीरियर वॉल ऑफ होम्स वेयर फीमेल मॉस्किटोज कॉमनली रेस्ट आफ्टर फीडिंग। अब क्या होता है, अब हमें मॉस्किटोज़ के बच्चों को मतलब मॉस्किटोज़ को दूर भगाने के लिए क्या करना चाहिए, जहाँ पे आपको लगे कि रुका हुआ जमा हुआ पानी है तो उसको आप तुरंत फेंक दो। इंसेक्टिसाइड्स मतलब दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए जहाँ पे मतलब पानी जमा हुआ, अगर आपको लगता है कि वहाँ लार्वा वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको साफ करो, वहाँ से पहले पानी को हटाओ, फिर वहाँ पे जो है मतलब जो मेडिसिंस वगैरह मतलब जो दवाइयाँ होती हैं उनको अच्छे से छिड़काव करो, और जो आपके घर के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको अच्छे से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा मच्छर जो हैं होते हैं हमारे। और ये आपको एक बात बता दूँ, जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनका सबसे ज़्यादा ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है उनको वो सबसे ज़्यादा पसंद होता है, तो उन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ये हमारा चैप्टर यहीं कम्प्लीट होता है, अब हम इससे रिलेटेड बुक एक्सरसाइज और वर्कशीट करेंगे। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स आर लोटस एंड वाटर लिली। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। क्रैब्स एंड लॉबस्टर हैव लेग्स दैट इनेबल देम टू वॉक अक्रॉस द बॉटम ऑफ अ वाटर बॉडी। द स्टैग्नेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज। इन कॉन्ट्रास्ट द मेल मॉस्किटोज फीड्स ऑन प्लांट्स। मलेरिया अकर विद फीवर एंड चिल्स लाइक करंट इन नेचर। अब ये जैसे कि आपको क्या करना है, इसमें पिक्चर्स देख के नाम लिखने हैं तो ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट है आपको सबके एक एक एग्जांपल लिखने हैं। वन फिक्स्ड प्लांट, एक फिक्स्ड प्लांट का तो लोटस। वन फ्लोटिंग प्लांट्स तो वाटर चेस्टनट। वन अंडर वाटर प्लांट हाइड्रेरिया। वन एनिमल दैट वॉक अक्रॉस द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी तो क्रैब्स। एन एनिमल दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स मतलब एक ऐसा एनिमल जो गिल्स के थ्रू जो है सांस लेता है। अ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज तो मलेरिया। ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको वर्कशीट में करवाऊंगी। ये हमारी बुक एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है, अब हम इससे रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। आज डेट हमारी 27 जनवरी 2022 है, डेट थर्सडे है। ये होम वर्कशीट हमारी 18 है, सब्जेक्ट टीवीएस। मैंने जो 18 चैप्टर एक्वेटिक लाइफ करवाया उससे रिलेटेड हमारी वर्कशीट है। वर्ड मीनिंग वीड्स सोक अडेप्शन अनुकूलन गील्स गलफड़े रिस्परेशन श्वसन प्रिवेंशन रोकथाम ऑर्गेनिजम्स जीवो स्टैगेंट स्थिर डिजीजेस रोगो अवॉइडिंग परहेज रेपलेंट्स विकर्षक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। विच आर फिक्स प्लांट, फिक्स प्लांट कौन कौन से तो लोटस और वाटर लिली। विच आर अंडर वाटर प्लांट्स तो अंडर वाटर प्लांट्स कौन कौन से तो हाइड्रेलिया टेप ग्रास पॉन्डवीड यही सब हमारे अंडर वाटर प्लांट्स है। हाउ क्रैब्स एंड लॉबस्टर एंड अदर एनिमल्स वॉक और स्विम इन द वाटर मतलब लॉब्स्टर या फिर क्रैब जो है वो कैसे मतलब चल लेते या फिर कैसे जो है पानी में तैर सकते, तो उनके पास पैर होते हैं मतलब इसके थ्रू जो है वो पानी में चलते या फिर स्विम करते। हाउ एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ मतलब जो पानी में जो जीव रहते हैं वो कैसे सांस लेते, वो जो मतलब गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं वो क्या करते हैं, उसी के थ्रू वो पानी के साथ साथ जो ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी भी छोड़ देते हैं बाहर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वेयर डू मॉस्किटोज ब्रीड राइट द डिजीज स्प्रेड बाई मॉस्किटोज मतलब मच्छर कहाँ ज़्यादा पैदा होते हैं, तो रुके हुए पानी में जो है मॉस्किटोज ज़्यादा पैदा होते हैं, तो आपको क्या करना है तो उनकी सफाई आपको करनी रहनी चाहिए, कहीं भी पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। और मलेरिया डेंगू ये सब क्या है, रॉस्ट फीवर्स हैं जो मॉस्किटोज से फैलते हैं। हाउ मॉस्किटोज सक ब्लड मतलब मॉस्किटोज जो है ब्लड कैसे लेते हैं, तो वो जो है हमें काटते नहीं है अपनी, क्योंकि वो अपने जॉ को ओपन करके उनके पास सिक्स नीडल टाइप होते हैं, तो उसी की मदद से जो हमारी स्किन में वो डालते हैं और सलाइवा के थ्रू जो है वो जो सलाइवा है वो सलाइवा के थ्रू जो है वो बैक्टीरियाज भी जो हमारे स्किन में चली जाती है, फिर उसी के थ्रू जो है वो सक करते हैं मतलब स्ट्रॉ के जैसे स्ट्रॉ से हम जूस पीते हैं ना, तो उसी तरीके से वो खून जो है मतलब वो उस फूड के थ्रू जो है वो खा लेते हैं। What precaution can be used to take over malaria? मलेरिया के समय हमें क्या क्या करना चाहिए, तो अगर मतलब मलेरिया से बचने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, हो सके तो हमें जो है फुल कपड़े पहनने चाहिए, शाम हो जाए तो फुल कपड़े पहनने चाहिए, और रात को जो है ओडोमोस मतलब क्रीम्स वगैरह जो मॉस्किटोज को दूर रखे वो करना चाहिए, मॉस्किटो नेट्स को यूज़ करना चाहिए, और हमें जो है
हाउस को मतलब हाउस में जो है सफ़ेदी करवानी चाहिए। तो ये सब हमारे प्रिकॉशंस है जब हमें मलेरिया के टाइम मतलब हम मलेरिया या फिर मॉस्किटो मच्छर के काटने से बच सके तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट राइट फाइव फ्लोटिंग प्लांट्स नेम, आपको जो है पांच फ्लोटिंग प्लांट्स के नेम लिखने हैं। नेक्स्ट है फाइव एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं जीव उनके नाम लिखने हैं आप, तो आपको फाइव एक्वेटिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। आपको जो है बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है सारी, और जो क्वेश्चन आंसर्स को जो है अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन करोगे, और बाकी इन सबको आप वर्कशीट में ही करोगे। थैंक यू।